नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ से खबर है जहां एसपी सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी ली गई। बता दें कि आजमगढ़ में पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा शुक्रवार की परेड की सलामी ली गई और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो तस्वीरें आपको आजमगढ़ के पुलिस लाइन सभागार की है, जहां पुलिस लाइन प्रांगण के है, माफ कीजिएगा, एक तस्वीरें आजमगढ़ पुलिस लाइन प्रांगण की है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा परेड की सलामी ली गई और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। इस रक्तदान शिविर में दान हित शिविर बनाया गया है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, अस्पताल के CMS सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। तो ये खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ स्वैच्छिक रक्तदान माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले शिविर का SP ने फीता काटकर शुभारम्भ किया और इस कार्यक्रम में आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह सहित पूर्व मंत्री दुर्गा यादव, अस्पताल के CMS सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली के प्रांगण में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार जैनपुर कोतवाली में तैनात कोतवाल जितेंद्र सिंह का भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र के सभी संभ्रांत व्यक्तियों ने उपस्थित होकर नवाखों से जैनपुर कोतवाल को फूलमाला पहनाकर विदा किया। तो वही कोतवाली में तैनात सर स्टाफ के लोगों ने फूल का माला पहनाकर कोतवाल जितेंद्र सिंह को विदा किया। वही कोतवाल जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो प्यार और सहयोग क्षेत्र के लोगों ने दिया, उस प्यार और सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता है। इस क्षेत्र का प्यार ही था जो इतने दिन तक रोके रखा। जैनपुर कोतवाल का स्थानांतरण जैनपुर कोतवाली सुधारी थाना प्रभारी आजमगढ़ के लिए हो गया था। वही विदाई समारोह शुक्रवार को एक दिन में 11 बजे किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष चौरसिया, व्यापार मंडल के संरक्षक ज्ञानेंद्र मिश्रा, समाजसेवी पुरुषोत्तम यादव, सुनील सोनू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर पाल बघेल धनगर भागीदारी संवाद गोष्ठी संपन्न हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दयाराम पाल का लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। गोष्ठी की अध्यक्षता महेंद्र पाल व संचालन मनहर पाल ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दयाराम पाल ने कहा कि आज भाजपा सरकार में पाल समाज व अन्य पिछड़े वर्ग की उपेक्षा हो रही है। युवा बेरोजगारी से मारे मारे घूम रहे हैं। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई कई गुना बढ़ गई है। दुकानदारों के रोजी रोजगार सब चौपट हो गए। पर मुख्य उन्होंने पाल समाज से आह्वान किया कि समाजवादी पार्टी ही पिछड़ों, दलितों, वंचितों व शोषितों की आवाज़ उठाती है तथा इनके भले के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्य रूप से दीपचंद पाल, सूर्यभान पाल, अवधराज पाल, विजय पाल, हरेंद्र पाल, धर्मराज पाल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। गोरखपुर में आज समाजवादी पार्टी के नेता कालीशंकर ने चौरी चौरा जनविद्रोह के शहीदों के नाम के आगे से उनकी जातीय पहचान को चौरी चौरा शहीद स्मारक से जानबूझकर हटाने की शिकायत व पुनः यथावत करने की मांग को लेकर मंडलायुक्त गोरखपुर रवि कुमार NG के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन प्रेषित किया। कालीशंकर ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि बहुत ही खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा जनविद्रोह में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अहम योगदान को मिटाने की
कोशिश कर रही है, जो कहीं ना कहीं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का और जाति के सम्मान का हनन है। कालीशंकर ने कहा कि सर्वज्ञ है कि आज़ादी की लड़ाई में चौरी चौरा जन विद्रोह का विशेष योगदान रहा और इस जन विद्रोह में शहीद हुए तथा आजीवन कारावास व कालापानी गए अधिकतर लोग पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज से थे, जिनका बहुत ही अहम योगदान था। कालीशंकर ने भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शताब्दी वर्ष के दौरान सुंदरीकरण के नाम पर स्मारक पर लगे सफ़ेद पत्थर को हटाकर लाल पत्थर लगा दिया था तथा अपूर्व में स्मारक पर लिखे गए शहीदों के नाम के साथ छेड़छाड़ कर उनकी जात के नाम को हटाने का सर्वनाकाम किया गया तथा सामान्य बिरादरी के दो लोगों का नाम जाति सहित लिखा गया तथा स्मारक की मौलिकता के साथ जमकर मनमाना किया गया और पूरे स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया। स्थल चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती है और जो शहीद हुए थे उन्हीं के उपलब्ध में उनके सम्मान के लिए शहीद स्मारक बनाया गया था और आज ये शहीद स्मारक जैसा इस शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं, सरकार भी मना रही है, आज इस शताब्दी वर्ष में शहीदों के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हो गया, उनके मान सम्मान पे कलंक लगाने का काम किया गया और वह कलंक ये है कि अगर रुदली केवट थे, आपके संपत चमार थे, आपके विक्रम अहिर थे, भगवान अहिर थे, कहीं ना कहीं उन लोगों का नाम के आगे टाइटल हटा करके सरकार ने दोयम दर्जे का काम किया है और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि चौरी चौरा का आंदोलन पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों का आंदोलन था, मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों इन लोगों का टाइटल हटा गया कि मरम्मत के नाम पर, जब ये सफ़ेद रंग का सारा संगमरमर लगा हुआ था स्मारक पर, लाल रंग का स्मारक लगाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? ठीक है, लाल रंग का आपने स्मारक लगा दिया, मगर शहीदों के नाम के आगे से, उनके वल्दियत के नाम के आगे से क्यों आपने जाति को हटा दिया? जिस जाति में, जिस धर्म में आदमी पैदा लेता है उस पर गौरवान्वित होता है, मगर कहीं ना कहीं हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मगर क्यों केवल जो पिछड़ी जातियाँ थीं, जो दलित जातियाँ थीं, उनके टाइटल हटा गया, जबकि जो सामान्य जातियाँ थीं उनके नाम के आगे से टाइटल क्यों नहीं हटाया गया? हम पूछना चाहते हैं, बड़ा सवाल है, ये सामाजिक न्याय का सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सम्मान है और तो और जो हमारे निषाद समुदाय हैं, हमारा हरिजन समुदाय है, हमारा राजभर समुदाय है, हमारा यादव समुदाय है, हमारा पासवान समुदाय है, हमारा मौर्य समुदाय है, तमाम ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अपनी आहुति इस चौरी चौरा की जन क्रांति में दिया था, देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने का काम किया था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, हे सरकार, आखिर अन्याय क्यों? क्या हम पिछड़ी जातियों को, क्या हम अनुसूचित जातियों को, क्या हम अल्पसंख्यक लोगों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है क्या? मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए क्या? क्यों हमारी जातियों को हटाया गया? और इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी, अगर जल्द से जल्द इसको सही नहीं कराया गया तो जन आंदोलन चौरी चौरा से उठेगा और यही पिछड़ी जातियां और दलित जातियां एक साथ आकर के 2022 में आपको नस्ते नाबूद करने का। वाराणसी यानी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। दालमंडी से भाजपा सरकार में व्यापारियों के साथ बढ़ते अपराध के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया है, यह कहना है इरफान खान पूर्व पार्षद व प्रत्याशी मोहम्मद इरफान का। बता दें कि इसमें मुख्य रूप से मौजूद इरफान खान पूर्व पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद इरफान, बाबू अंसारी, वार्ड अध्यक्ष बाबू इलाही, जिया सिद्दीकी, इरफान राक, अवसाद, सैफ इमरान खान व बड़ी संख्या में दलमंडी के व्यापारी मौजूद थे। इसमें आदिल खान ने सरकार से मांग की है कि मनीष गुप्ता की पत्नी को न्याय दिलाया जाए व दोषी पुलिस कर्मियों को जेल भेजा जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी का आयोजन नेहरू हॉल के सभागार में भारतीय जनता पार्टी जनपद आजमगढ़ इकाई के द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में भारतीय जनता पार्टी के प्रकल्प एवं विभाग के संयोजक एवं जिला संयोजक ने सहभागिता किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए भारत कैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता डीएन सिंह, रामाधीन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल सहित तमाम लोग अपने अपने विचार इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रखा संगोष्ठी को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने किया। चलो सर, आज क्या कार्यक्रम है और क्या संदेश देना?
आत्मनिर्भर भारत विषय पर आज भारतीय जनता पार्टी ने गोष्ठी आयोजित की है। जब से आदरणीय मोदी जी का प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, प्रदेश की जनता और देश की जनता ये अनुभव कर रही है कि देश विकास की राहों पर आगे बढ़ रहा है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी की है उस दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के अंदर अपना देश एक आर्थिक शक्ति के रूप में, एक शक्तिशाली देश के रूप में उसका स्थान स्थापित हुआ है। ये सब उनके नेतृत्व की क्षमता है। उनके जन्मदिवस के अवसर से लेकर आज तक आगे भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज ये आत्मनिर्भर भारत के विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। आजमगढ़ में डॉक्टर की मनमाने रवैये से दिवाया विकास सेवा समिति ने सीएमओ से लिखित शिकायत की है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक में बसा देवारा क्षेत्र हर साल बाढ़ सहित कई दैवीय आपदाओं का शिकार रहता है। देवरांचल वासियों को बाढ़ से होने वाले परेशानियों से स्वास्थ्य संबंधी राहत लाने के लिए स्वास्थ्य चौकी बनाई जाती है, इस पर डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ भी सीएमओ द्वारा तैनात किया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी उल्टहवा में स्वास्थ्य चौकी बनाई गई है जहाँ डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ तैनात किया गया है, परंतु डॉक्टर के मनमाने रवैये से देवारा वासी बहुत परेशान हैं। इसकी बार बार शिकायत भी सीएमओ से की जा रही है, परंतु सीएमओ द्वारा ना तो अपने डॉक्टर को सुधारा जा रहा है और ना ही तो कोई एक्शन ही लिया जा रहा है। आज डॉक्टर के मनमाने रवैये के खिलाफ देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव अपने साथियों सहित स्वास्थ्य चौकी पर पहुंचे तो डॉक्टर नदारद मिले और दवाइयां एक कमरे में बिना किसी सुरक्षा के रखा मिला। इसके संदर्भ में उन्होंने मीडिया के समक्ष एक शिकायती पत्र सीएमओ के नाम लिखित रूप में दिया। डॉक्टर को की उपस्थिति के संबंध में जब TV20 न्यूज ब्यूरो प्रमुख महाराज गंज ने सीएमओ से बात की तो उन्होंने उल्टावा स्वास्थ्य चौकी पर तैनात डॉक्टर के कार्यप्रणाली की शिकायत कई बार मिलने की बात तो किया फिर भी और शिकायती पत्र मिलने पर कार्रवाई की बात कही। अब देखना यह है कि देवारा क्षेत्र के अग्रणी सामाजिक संगठन के लिखित शिकायती पत्र पर सीएमओ द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है या फिर और शिकायती पत्र का इंतजार कर देवारा वासियों को उपेक्षा की जाती है। राम केदार जी, ये बाढ़ चौकी जो बनी हुई है उल्टावा की, इसकी यही दशा हमेशा है, क्या गति है इसकी? सर, देवारा पहले से उपेक्षित था और इतना ज़्यादा अभी ये लोग उपेक्षा का शिकार और बना रहे हैं। सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है बाढ़ केंद्र बनाने के लिए, डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है और यहाँ पर जो है दवाइयाँ पहुँचा रही है सरकार, लेकिन अभी आप देख रहे हैं स्थिति, आपने देखा बाढ़ चौकी पे ताला लगा हुआ है। डॉक्टर साहब यहाँ पता नहीं कभी 10 मिनट के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, लेकिन जब ढूंढो तो डॉक्टर यहाँ नहीं मिलते हैं। और अभी ये चाचा त्रिवचन चाचा है, ये तो यही पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठते हैं, दवाई बांटते हैं, लेकिन दवाई कौन सी बांटते हैं? बुखार वगैरह का दवाई कभी दे के फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं बस। और देवारा विकास सेवा समिति इन लोगों को, सरकारी अफसरों को चेताने के लिए कह रही है कि अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन को आपके खिलाफ जो है चिट्ठियाँ लिखेंगे। नहीं, जैसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर बहुत कम आते हैं या टाइम से नहीं आते हैं, इसका आपने कभी स्थलीय निरीक्षण आज के अतिरिक्त पहले भी किया है? नहीं, इसके पहले जो है निरीक्षण, मतलब कई बार बताया भी गया है, शासन प्रशासन सूचित भी किया गया है। बीच में एक बार और मीडिया वाले भी आए थे कि यहाँ डॉक्टर वहाँ ताला उस टाइम बंद था, आज आप लोग आए आपके सामने ताला बंद है। डॉक्टर साहब आते भी होंगे, मैं बता तो रहा हूँ, अगर आते भी होंगे, कुछ लोग बता रहे हैं कि आते हैं तो आएंगे 2-4 घंटे फॉर्मेलिटी पूरा करने, पूरा समय नहीं देते यहाँ। और उनके पास सांप काटते हैं, अभी बाढ़ में सारे सांप इधर उधर घरों में घुसे पड़े हैं, जो सांप काटते हैं मिसाइली जानवर काटते हैं, तो लोग भाग के यहाँ से महाराज आगे मर जाते हैं, यहाँ फैसिलिटी है ही नहीं कुछ, जाते जाते दम तोड़ देते हैं लोग। हेलो हेलो, सीएमओ साहब आजमगढ़ जी, बताएं जी। राजनंद मिश्रा बोल रहा हूँ, TV20 न्यूज ब्यूरो प्रमुख महाराजगंज से जी। बताएं सर, आपका ये बाढ़ चौकी अवहरगंज है और अभी आज तो डॉक्टर आए ही नहीं, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं डॉक्टर आए ही नहीं, मैं मौके पे चौकी पे मौजूद हूँ, और ऐसे कंडीशन में वो आते हैं 8-9 बजे 10 बजे और फोन 2 बजे से पहले निकल लेते हैं। सर, इसकी क्या गति है? कहिए तो मैं आपको लाइव दिखाऊं। अवर गई जी, मैं आपको लाइव दिखाऊं अगर आपका कोई वीडियो। अवरगंज की बाढ़ चौकी हमारी एक्टिव नहीं है। आपकी अवगरगंज बात जो की ये उल्टावा वाली एक्टिव नहीं है?
उल्टा हवा वाली है तो वही उल्टा हवा तो वही अवगरगंज पे है, उल्टा हवा कहीं है। अच्छा अच्छा, उल्टा हवा यहाँ उनकी तो शिकायत उसको बार बार मिलती है। कहे तो मैं आपको वीडियो, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर हो मैं वीडियो कॉल आपको कर सकता हूँ। यही इतने आप जो कह रहे हैं तो गलत चीजें कह रहे हैं। आजमगढ़ की रेशमी नगरी मुबारकपुर में पिछले चार दिनों से डायरिया के प्रकोप से जूझ रहा है। वही जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे मुबारकपुर कस्बे के कटरा मोहल्ले के पूर्व सभासद ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत मुबारकपुर नगर के मोहल्ले कटरा से गुजरपार तमसा नदी तक जनहित में नाला निर्माण की मांग की है। कटरा मोहल्ले के पूर्व सभासद महमूद का आरोप है कि मुबारकपुर नगर पालिका के आसपास के जल निकासी के स्थानों व तालाबों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसके कारण मुबारकपुर नगर पालिका का पानी नगर में ही रह जाता है, जिससे बारिश के समय दूषित जल के सेवन से लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नाला बनाने का एस्टिमेट बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन राजनीति और पालिका की उपेक्षा के कारण आज तक वह फाइलें भी धूल फांक रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम महमूद आलम, पूर्व सभासद मुबारकपुर, मैं ई रिक्शा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, आज क्या समस्या यहाँ आए? समस्या ये है सर कि ये मुबारकपुर में जो आज महामारी फैली हुई है, उसी सिलसिले में चूँकि मुबारकपुर में ये जो ताल पोखरियाँ हैं ये सब भूमाफियाओं ने पाट रखा है, जिसका कस्बे का सारा गंदा पानी जो है ये आपके कस्बे ही में जुड़ जाता है, पानी की निकासी नहीं है। इस निकासी के लिए मैं 2014-15 में भी बड़ा प्रयास किया, इसकी 7 करोड़ 20 लाख रुपए की एस्टिमेट भी तैयार हो गई थी जल निगम की तरफ से, और ये शासन की तरफ से आदेश भी हो गया था, लेकिन अभी तक वो नाला बना नहीं। तो इसी सिलसिले में सर मैं आज DM साहब से मिलने आया हूँ और एक पत्र भी लेके आया हूँ कि वो मुबारकपुर के गंदे पानी की निकासी के लिए एक दरखास्त लेके आया। लगातार आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कतें क्या हो रही है? इसमें कुछ तो राजनीति हुई, और ये मैं तो यही कहूँगा कि मुबारकपुर नगर पालिका की भी इसमें बहुत सी ढिलाई रही है। वर्तमान में चेयरमैन हो या पूर्व का चेयरमैन रहे हों, इन लोगों ने सिर्फ राज किया, समाज की कोई समस्या को इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आज क्या चाह रहे हैं? मैं सर यही चाह रहा हूं कि मुबारकपुर में जो मोहल्ला कटरा से गुजरपार टॉस नदी तक नाला निर्माण हो, और ये जनहित में है सर, ये जनहित में है और इससे जनता का भला होगा। देखिए, मुबारकपुर एक रेशमी नगरी है और यहाँ रेशम की रंगाई खराई जो का गंदा पानी निकलता है वो सब रहता है, और कस्बे का जो गंदा पानी है वो सब वहीं मुबारकपुर के ही इर्द गिर्द वो जमा रहता है, जिससे ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा कारण है महामारी फैलने का, गंदा पानी। आजमगढ़ में जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की पूरी टीम ने आज मुबारकपुर कस्बे में खुले में ठेली खोमचियम सड़क के किनारे पर चाट छोले समोसे ढाबे एवं मिठाई का कारोबार करने वाले सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं की जांच की। जनहित में ऐसे सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को उनके खाद्य कारोबार में प्रयुक्त होने वाले तथा उनके द्वारा ग्राहकों को पीने हेतु दिए जाने वाले जल की जैव एवं रासायनिक जांच राज्य स्वास्थ्य संस्थान से कराकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक खाद्य कारोबार स्थगित करने के सख्त निर्देश मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिए गए। निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की संगत धाराओं के तहत मुकदमा कर दिया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं का होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे जनपद विवेचनाओं के निस्तारण के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हित अभियान, अवैध शराब माफियाओं की गिरफ्तारी व सघन चेकिंग, वांछित वारंटी व टॉप 10 अपराधियों की 100% गिरफ्तारी के अभियान क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निरीक्षण व थाना प्रभारी सिधारी प्रभारी के निरीक्षण में उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ तलाश वांछित अभियुक्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति में पहलवान तिराहे पर मामूर थे कि उसी समय मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में नजायज गांजा भी बरामद किया। मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत जनपद आजमगढ़ में पुलिस द्वारा मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। बता दें कि थाना पवाई पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम खुरचंदा में
तो वही सरायमेर पुलिस द्वारा आजमगढ़ द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चक मुनैर में, थाना बरदा पुलिस द्वारा जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम मुक्तिपुर में, थाना महिला थाना पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर पंपलेट के माध्यम से, थाना बिदरियागंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम भगतपुर में, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलिहारी में, थाना तरौलिया पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र के ग्राम पचरी भवानीपुर में और थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के कस्बा निजामाबाद में, थाना रानीसराय पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र के बसीरपुर में मिशन शक्ति योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा रक्तदान कर किया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। जिलाधिकारी ने राज्य के आज के रक्तदान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी महिलाओं एवं युवाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करना बहुत ही नेक कार्य है, किसी भी तरह के दान से ऊपर है तो रक्तदान करना है। रक्तदान करने से हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। जनपद आजमगढ़ रक्तदान में करने में दूसरे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने के लिए काफ़ी लोग एवं युवा बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने अलका सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि लगभग 60 वर्ष की आयु में भी रक्तदान करना बहुत बड़ी बात है। जिलाधिकारी ने कहा कि युवाओं के अंदर के भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। हमारा शरीर इतना सशक्त है कि जैसे ही हमारे शरीर से किसी चीज़ की कमी होती है हमारा शरीर उस कमी को दूर करने में लग जाता है। जो जो सम्मिलित हुए हैं जिन्होंने रक्तदान किया उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये एक बहुत ही नेक काम है रक्तदान करना, किसी भी तरह के दान से ऊपर है रक्तदान करना, क्योंकि इससे आप सीधा सीधा एक किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के काम कर रहे हैं। तो सभी लोग जिन्होंने रक्तदान किया धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे जनपद में का हमेशा मतलब प्रथम या दूसरा स्थान रहा है। प्रथम तो आप विजय का रखने के जो लखनऊ में सबसे बड़ी संस्था है उसके बाद हमेशा आजमगढ़ का नाम नंबर दूसरे नंबर पे है। तो ये सब आप ही भी स्वैच्छिक रूप से जो आप इससे प्रतिभाग करते हैं उसके वजह से है। तो मेरा सभी जनपद में जो भी आगे बढ़ चढ़ के युवा और बाकी सब लोग आ रहे हैं, मैं तो डॉक्टर साहब नाम भूल गया अलका, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि 60 साल की उम्र होने जा रही है फिर भी वो लोग हमेशा रक्तदान करती रही है। तो एक भ्रम जो हमारे युवाओं में है उसको भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। हमारे शरीर इतना सशक्त है कि जैसे ही किसी भी चीज़ की कमी होती है उसको बनाने में जुड़ जाता है और उसके विद इन नो टाइम आपको उतना ही ब्लड वापस बन जाता है। तो ये सभी लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के आए और देख काम क्या बात है, क्यों मारा? अरे पहले चुप रहो, चुप रहो यार, बता क्या मारे? अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम राजन चौरसिया है। क्या क्या दिक्कत? राजन के बाद बेटा, हाँ ठीक, तारीख की तारीख सर 125 की तारीख थी। मेरी घरवाली से तुम्हारी पत्नी कौन है? ये सर क्या नाम है इसका? पति चौरसिया। हमें चौरसिया तुम्हारा मुकदमा चल रहा है जी। तो यहाँ आए थे कोई मुकदमा तारीख थी? जी हाँ, शाम को गाड़ी से चापराबाद से जाने के लिए शादी हुई है? शादी से हुई है नहीं हुई? शादी नहीं हुई है। तुम्हारी शादी हुई है? मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है। आपकी शादी नहीं हुई है? इनकी शादी से नहीं हुई है तो मुकदमा किस बात चल रहा है आप लोगों का? अरे आप बताइए ना, आपसे बता रहे हैं ये लोग, आप जब उस लड़के शादी नहीं हुई है आपका मुकदमा किस बात चल रहा है? शादी किसके साथ? उस लड़के की शादी किससे हुआ है? अरे उस लड़के की शादी किससे हुई है? ए बेटा तुम्हारी शादी इससे हुई है कि नहीं? तुम्हारी पत्नी है ये? तुम्हारे पास कोई प्रमाण इस बात का है? मेरे पास फोटो भी है। निकालो फोटो।